हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस, क्या होता है कभी कभी हम लोग गेम में बहुत बुरी तरीके से मर जाते हैं, फिर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बंदा लेजिट है या तो फिर समझ रहे हो ना जादू लगा के खेल रहा है। तो ऐसे में हम लोग कन्फर्म करने के लिए देखते हैं डेथ रिप्ले। बट गई 2.5 अपडेट भिजवाई के आने के बाद तो यार यहाँ पे डेथ रिप्ले बहुत सारे बंदों का ऑफ हो चुका है। अब आप बंदे कह रहे हैं कि भाई इसको एनेबल कैसे करें, तो यार आज की वीडियो आपको बताऊंगा कि जो डेथ रिप्ले को एनेबल आप लोग कैसे कर सकते हो एंड उसके जो क्या फायदे हैं वो भी बताऊंगा। एंड गाइस एक चीज़ और ऐसी, जब आप लोग मेरी करियर रिजल्ट पे जाओगे तो आप लोग यहाँ पे देखोगे, आप लोग को यहाँ पे हाईलाइट मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप मतलब 1v4 कर रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पे रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जाके 1v4 वाले जो है रिकॉर्ड करके कहीं पे अपलोड करना चाहते हो वो अपलोड कर सकते हो या शेयर कर सकते हो भाई कैसे किस तरीके से मैंने 1v4 करा। तो इसको हाईलाइट मूवमेंट को भी कैसे इनेबल करना है, तो यार आज की वीडियो में आप लोग को ये दो चीज़ें बताने वाला हूँ। तो गाइस चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना एंड हो सके तो नहीं लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरा भैया लोग। गाइस डेथ रिप्ले का फायदा क्या मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि आप कभी गेम में मर गए थे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बंदे कन्फ्यूज होते हैं रिपोर्ट मारने के लिए कि भाई देखो यार या बंदा लेजिट है या बंदा हैकर। इसमें आप लोग को दिख जाता है, जैसे आप लोग देख सकते हो कि मेरा POV है, मैं देख पा रहा हूँ कि बंदा मेरे को बहुत लेजिट मारा, कोई भी हैकर वैकर नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग भी देख पाओगे। फायदा इसमें कुछ भी नहीं है, बस आप लोग ये चीज़ देख पाओगे, आपके पास प्रूफ रहेगा। तो एनेबल कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है। सेटिंग पे आना है, सेटिंग पे आने के बाद कंट्रोल ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोग को एडवांस कंट्रोल ऑप्शन पे क्लिक करना एंड सबसे नीचे चले आना। नीचे आने के बाद सबसे नीचे जब आ जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब ये देख सकते हो कि आप लोग यहाँ पे दिखेगा हाईलाइट मूवमेंट, जैसा कि आप लोग यहाँ पे दिखाया मैंने। मूवमेंट ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होता, बस आपको जो 1v4 हुआ, 1v2 हुआ या आपको जो अच्छे क्लचेस हुआ वो रिकॉर्ड कर लेगा, जिससे आप लोग बाद में अच्छे से देख पाओगे। तो इसको यहाँ पे अगर आपका डिसेबल होगा इसको इनेबल कर देना। और आपको एक चीज़ बता दो कि देखो इसको लगाने के बाद लैग होगा, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, नहीं तो फिर मत कहना भाई देखो यार लैग होने लगा तो फिर मैं बता दे इसलिए पहले, ठीक है। एंड उसके बगल में आप लोग देखोगे कि यहाँ पे दिखेगा डेथ रिप्ले, तो डेथ रिप्ले भी यहाँ से भी आप लोग इनेबल कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि डेथ रिप्ले इसको चाहो इनेबल कर लो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है डेथ रिप्ले मतलब बार बार क्लिक हो जाता है तो आप इसको डिसेबल कर लो, जिससे आप लोग डेथ रिप्ले देख नहीं पाओगे। ऑलराइट गाइस, यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद को लाइक कर देना, प्यार से कमेंट कर देना एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।